नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठी जेपीएससी में फाइनल कट ऑफ क्या होगा, इस पर आज बात करेंगे। कई व्यूअर के चॉइस पर इस वीडियो को बनाया गया है। सिक्स जेपीएससी का मेंस की कट ऑफ को अगर देखिए तो लास्ट कट ऑफ जो गया है उस लास्ट कट ऑफ के अनुसार हम आपको तैयार कर रहे हैं, जिसमें बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ। हमारी सूचना के मुताबिक जनरल कैटेगरी में 590 से लेकर 610 के बीच में जा सकता है फाइनल कट ऑफ, जो प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए जो अंतिम चयन के पड़ाव है वो 590 से लेकर 610 के बीच होगा। आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में 508 नंबर का लास्ट कट ऑफ गया था। वहीं जिस कैटेगरी में जितना लास्ट कट ऑफ गया है उसमें तकरीबन आप 70 नंबर जोड़ देंगे, आपके पास एक फाइनल लिस्ट की डिसीजन आ जाएगी। मान लीजिए किसी कैटेगरी में 450 नंबर का लास्ट कट ऑफ है, उसमें आप 70 ऐड कर देंगे तो वहां पर 510 का कट ऑफ जाएगा, चाहे वो एससी एसटी का हो, ओबीसी, बीसी1 बीसी2 का हो या फिर जनरल कैटेगरी का हो। पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी यहां पर एक कैटेगरी बनेगा इस बार, क्योंकि उसके लिए मेंस में अलग से नहीं दिया गया था जगह। हमारे पास जो सूचना आई है उसके मुताबिक इंटरव्यू में अधिकांश बच्चों को, मतलब अमूमन अगर देखा जाएगा तो 60-70% बच्चों को जो मार्क्स मिला है वो 40-55 नंबर के बीच, यानी कि 55-40 नंबर के बीच दिया गया है। लगभग 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 65-75 के बीच है और 3-4% ऐसे बच्चे हैं जिनको लगभग 75 से ज्यादा नंबर दिया गया है। यानी कि अगर मेंस में आपने स्कोर अच्छा किया है तो इंटरव्यू में आपको थोड़ी मार्क्स कम भी मिली है तो आप एज होंगे। उदाहरण के लिए अगर आपका 508 मार्क्स आया है, सोचिए लास्ट कट ऑफ, और आपने किसी अन्य कैंडिडेट की तुलना में 550 स्कोर कर रखे थे मेंस में, और अगर आपको 50 नंबर भी आता है इंटरव्यू में तो तकरीबन आपके स्कोर हो जाते हैं 600, यानी कि आप सेफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए यहां पर यह ज्यादा जरूरी है समझना कि आपके जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स में मेंस में आप कितना स्कोर कर पाए होंगे, क्योंकि आपको लास्ट कट ऑफ पता है। लेकिन किसी कैंडिडेट का अगर 508 लास्ट कट ऑफ है तो उसका इंटरव्यू में तकरीबन 80 तक मार्क्स आना जरूरी है। अगर किसी को 510 नंबर आता है, 515 नंबर आता है, तो ऐसे में 80-85 से कम नंबर आने पर जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मेंस में अगर आप स्कोर ज्यादा लाए हैं तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको। वहीं दूसरी ओर इंटरव्यू में फेल और पास का चक्कर समाप्त हो गया है। इंटरव्यू में इस बार कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं करेगा। आपको इंटरव्यू में जो भी नंबर आएगा आप उस नंबर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और वो नंबर आपके मेंस के नंबर में जोड़ा जाएगा। जैसे आप BC1-2 में अगर देखेंगे तो बीसी कैटेगरी में 506 तक का कट ऑफ गया है, तो वहां भी तकरीबन 590 प्लस में फाइनल सिलेक्शन होगा। वहीं एससी एसटी में जो लास्ट कट ऑफ है उसमें आप 60-70 नंबर प्लस कर देंगे, क्योंकि 60-70 नंबर जब आप प्लस करेंगे, इसको हम आपको समझा रहे हैं कि अगर एससी कैटेगरी में 435 अगर कट ऑफ गया है, 470 कट ऑफ गया है, तो उसमें आप 70 नंबर जोड़ दीजिएगा तो 540 का स्कोर हो जाता है। तो जितना गया है उसमें 70 जोड़ देंगे। और आपका अपना एजम्पशन क्या कहता है, अगर आपकी एजम्पशन है कि आपको कट ऑफ से 40 नंबर ज्यादा आया होगा, 35 नंबर ज्यादा आया होगा, तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे, आपका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस होगा। और उम्मीद करते हैं कि जेपीएससी की फाइनल रिजल्ट सिक्स वाली की मार्च महीने में आ जाएगी। जो हम तक सूचना आई है कि सरकार ने प्लानिंग कर लिया है, जेपीएससी ने भी प्लानिंग कर लिया है कि मार्च महीने में ही ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगी, यानी कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी। और मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में ही सेवेंथ वाले की सुधार करके नोटिफिकेशन आने की चांसेस बन रही है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से बने रहिएगा, जो सटीक विश्लेषण होगा, सूचना होगी। और 7 जेपीएससी के लिए जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी। village.com गूगल पर खोलकर आप स्टडी मटेरियल फ्री में ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।